अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, तो आप कहेंगे मैगी बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं और तो ट्रैफिक में 2 मिनट तक इंतजार कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि 2 मिनट में एक ट्रैक्टर बनकर बिक्री के लिए तैयार हो जाता है, तो क्या आप यकीन मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस समय हम पंजाब के होशियारपुर में आ गए हैं, जहाँ पर इस समय हम दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक्टर प्लांट में है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सोनालिका के ट्रैक्टर कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इसके इंजन बनते हैं और तो पेंटिंग कैसे होती है। तो जानने के लिए बहुत कुछ है। मैं हूं शीतल मिश्रा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और चलते हैं इस समय सोनालिका के इस सफर में मेरे साथ। सोनालिका के ट्रैक्टर बनने की शुरुआत होती है हैवी मशीन शॉप पर ही। यहाँ पर लगी ऑटोमेटेड मशीन्स, ट्रैक्टर में लगने वाले क्रैंक केस, गियर बॉक्स और क्लच जैसे सभी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स को चेक करती हैं। यह शॉप इस चीज को चेक करता है कि ट्रैक्टर में लगने वाला कोई भी पार्ट डिफेक्टिव ना हो। अब हम आ गए हैं इंजन सेक्शन में, जो कि ट्रैक्टर का दिल होता है। सोनालिका 20 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के इंजन बनाती है और वो इंजन यहाँ पर तैयार होते हैं। ये है इंजन का असेंबली प्लांट, जहाँ पर अलग अलग पावर के इंजन बनाए जाते हैं। ट्रैक्टर के जो सामने वाला फ्रंट आपने देखा है, ये यहाँ पर बन रहा है। बनता कैसे बताता हूँ। पतली सी पन्नी है, इसकी पतली सी पन्नी है, शीट है, उसे यहाँ पर डालते हैं। 1000 टन का लोड गिरता है और उसके बाद इसकी शक्ल हो जाती है ऐसी, और इतना भारी हो जाता है ये। यानी पतली सी पन्नी पर जब 1000 टन का लोड गिरता है और उस पाचे में बनाया जाता है, तो ये इसका शक्ल बन जाता है जो ट्रैक्टर के सामने आप देखते हैं। इस समय जहां पर हम हैं वहां पर गियर बनता है और शाफ्ट बनता है। तो ये देखिए, गियर जो बनता है ये यहाँ पर मटेरियल रखा है, ये ऑटोमेटेड मशीन लगी हुई है बगल में, वो इसे बना रही है अलग, इसको एक तरीके से काट रहे हैं, टेम्परेचर में तैयार कर रहे हैं। ये जो मशीन है वो तैयार करने के बाद यहाँ पर जो दूसरी तरफ मशीन है वो शाफ्ट तैयार कर रही है। देखिए यहाँ पर शाफ्ट जो फाइनल आया है वो रखते हैं, वो यहाँ है। मशीन जो है वो यहाँ पर इसे काट रही है, काटने के बाद यहाँ पर ला रही है। तो कुल मिलाकर अगर इसे बात करें तो दोनों ही चीजें जो है वो, देखिए यहाँ पर शाफ्ट बन रहा है, ये मशीन जो है वो शाफ्ट बना रही है। ये देखिए यहाँ पर मशीन, ये ऑटोमेटेड मशीन है, ये मशीन इसको लेके जा रही है। ये अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, वहाँ पर इन्हें काट रही है, इन्हें अलग अलग जो डायमीटर है उसके तैयार करने के बाद इसे देखिए बाहर लेकर ये जो निकली है, ये शाफ्ट है ट्रैक्टर का। और वहीं दूसरी तरफ जो है ये जो मशीन है, देखिए ये यहाँ पर गियर का जो पार्ट है वो तैयार कर रही है। ये देखिए मशीन जो है वो गियर का पार्ट देखिए ये लेकर निकली है और यहाँ पर इसे पूरी तरीके से चेक करने के बाद यहाँ पर लाया जा रहा है। तो जो मशीन की वजह से जो है यूनिफॉर्मिटी है वो बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही चीजें हैं उन्हें तैयार करने वाली मशीन है, और इस तरह जो जहाँ पर हम है वो गियर और शाफ्ट दोनों बन रहे हैं। तो पेंटिंग सेक्शन जो है वो ये है, टॉप कोटिंग पेंट होता है यहाँ पर। लेकिन ये जो पेंट होता है वो मैनुअली नहीं होता है, रोबोट्स करते हैं। और रोबोट्स के जो पेंट करने से क्या क्या अंतर आता है वो चीजें अंदर देखते हैं। तो चलिए मेरे साथ। और यहाँ पर पीछे पेंट हो रहा है जिसे रोबोट्स कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहे। ये देखिए 3 रोबोट्स लगे हैं जो कि पेंट कर रहे हैं। और पेंट कैसे कर रहे हैं अंदर चल के दिखाते हैं आपको। तो मेरे पीछे ये ऑटोमेटेड मशीन्स लगी हुई हैं, 3 रोबोट्स लगे हैं जो भाषा में आसान भाषा में समझा देते हैं। ये रियर कवर टेस्टिंग सेक्शन है, इसको आसान भाषा में आपको समझाऊं कि ये जो चीज देख रहे हैं आप रियर सेक्शन ट्रैक्टर का, यही चीज ये मायने रखता है कि ट्रैक्टर कितना पावरफुल चीज को आपको उठा सकता है। जुताई में भी जो काम होता है वो मेन इसी पर बेस्ड होता है कि ये जितना मजबूत होगा उतना ही मजबूत ट्रैक्टर आपकी चीजों को उठा सकता है, जुताई में उतना ही ज्यादा पावरफुल तरीके से जोत सकता है। तो ये जो सेक्शन है वो पीछे से बनकर आता है और इस मशीन में टेस्ट किया जाता है कि ये कितना बेहतर तरीके से काम कर रहा है, कितने पावरफुल सामान को ये उठा सकता है, क्या है। तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ये यहाँ पर टेस्टिंग होती है। यही कारण है कि इस सेक्शन को बोलते हैं रियर कवर टेस्टिंग सेक्शन। यहाँ बन रहा है ट्रैक्टर का दिल, ये जो है वो ट्रैक्टर का दिल है और यही चीज ये डिसाइड करती है कि ट्रैक्टर
आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये ना हो तो ट्रैक्टर घूमेगा नहीं। तो हमारे जो किसान भाई है जो ट्रैक्टर को चलाने वाले वो इसी के भरोसे है, ये चीज तय करती है कि ट्रैक्टर कितना आगे जाएगा। ट्रांसमिशन ये बॉक्स है, गियर बॉक्स जहाँ पर ट्रांसमिशन लगाए जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से गियर बॉक्स है। ये ट्रैक्टर का बीच वाला हिस्सा है जो आगे जाकर बाद में इंजन से कनेक्ट हो जाता है। तो पीछे हमने जो आपको तीन चीजें बताई, एक्सल, रियर सेक्शन और ट्रांसमिशन, ये तीनों ही चीज अब यहाँ पर असेंबल हो चुकी है। ये इसका दिल है, ये इसकी रीढ़ की हड्डी है और ये चीज तय करती है कि ट्रैक्टर कितना भारी सामान उठा सकता है। तो ये तीनों ही चीज यहाँ पर असेंबल हो गई है। अब इंजन कहाँ लगता है वो आपको बताते हैं। तो चलिए आगे जहाँ पर इंजन लग रहा है, और यहाँ पर लगा दिया गया है इंजन। ये देखिए, ये ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है और यहाँ पर इंजन लग चुका है। तो अब यानी ट्रैक्टर में जो है वो जान फूंक दी गई है, इंजन यहाँ पर लगा दिया गया है, यहाँ पर ये चीजें आगे जाएगी और बन रहा है। तो ये देखिए सामने से जो ये है, यहाँ पर वो एक्सल, रियर सेक्शन और ट्रांसमिशन लगकर आता है, इसके बाद यहाँ पर आके वो इंजन लग जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर आके एक्चुअल में इंजन लगता है। तो पेंट होने के बाद अब हम आके हैं असेंबलिंग लाइन की तरफ। इसको आसान भाषा में समझे तो ये देखिए, ये हड्डी है, अब इसके ऊपर पूरी खाल लगाई जाएगी। तो एक एक चीजें जो लगाई जाएंगी वो हम आपको बताएंगे। और ये असेंबलिंग लाइन से शुरू करते हैं अपना मैराथन रेस, जहाँ पर बताते हैं कि यहाँ से लेकर ट्रैक्टर पूरा असेंबल होने तक में क्या क्या चीजें कौन कौन से पॉइंट पे लगाई जाती है। तो चलिए मेरे साथ। असेंबलिंग सेक्शन की शुरुआत फ्लोर बोर्ड से होती है जिस पर आप पैर रखते हैं, इसके बाद सीट लगाई जाती है और फिर रेडिएटर फैन लगाए जाते हैं जो ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा रखने में मदद करते हैं। असेंबलिंग लाइन में कूलेंट के लिए टैंक और फिर रेडिएटर को लगाने के बाद अब बारी आती है बैटरी सेक्शन की। यहाँ पर बैटरी लगाई जा रही है जो ट्रैक्टर की लाइट से लेकर इंफोटेनमेंट सिस्टम तक को पावर देती है। असेंबलिंग लाइन में आगे बढ़ने पर फ्यूल टैंक में डीजल को भरा जाता है और इसके बाद पावर स्टीयरिंग के लिए ऑयल भरी जाती है। तो असेंबलिंग के पहले पिट स्टॉप पर हम आते हैं और यहाँ पर टेस्ट हो रही है कि अब तक जो चीजें लगी वो क्या सही से काम कर रही है कि नहीं। ये जो सिस्टम लगाया वो ये चेक कर रहा है कि यहाँ तक जो भी चीज अभी तक लगी है वो कितनी इफिशियंट काम कर रही है। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो ये मशीन बता देती है यहाँ पर, और उसके बाद उसको फिर से करेक्ट किया जाता है। फ्रेम तैयार होने के बाद फ्यूज को लगाया जाता है जिससे सारे वायर्स और टेक फंक्शन काम करते हैं। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो ट्रैक्टर को शक्ल देता है। यहाँ पर फेंडर्स लगाए जा रहे हैं जो ट्रैक्टर की असली पहचान है। फेंडर्स को लगाने के बाद अब उन पर लाइट्स को लगाया जाता है। ट्रैक्टर को शक्ल देने के बाद अब बारी आती है टायर्स की। सोनालिका टू व्हील ड्राइव से लेकर फोर व्हील ड्राइव तक के ट्रैक्टर्स को बनाती है। यहाँ पर हाइड्रोलिक के जरिए ट्रैक्टर्स के टायर्स को लगाया जा रहा है। ट्रैक्टर में जो सबसे अहम टेक्निकल पार्ट होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर स्पीडोमीटर से लेकर फ्यूल गेज तक को पैनल में लगाया जाता है। ट्रैक्टर को पूरी तरह से तैयार करने के बाद अब उसे पहचान दी जाती है। यहाँ पर सोनालिका की बैजिंग लगाई जा रही है, यानी ट्रैक्टर पर कंपनी का नाम, मॉडल और वेरिएंट की सारी जानकारी प्लेट और स्टिकर के माध्यम से लगाई जाती है। तो अब इस समय हम आ चुके हैं उस सेक्शन में जहां पर एक साथ जितने भी ट्रैक्टर्स लगे हैं उनकी टेस्टिंग की जा रही है। देखिए यहां पर ये जो चैन लगाया गया है वो चेक किया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर जो लोड उठाने के लिए जो इसको सेट किया गया क्या वो उतना लोड उठा पा रहा है कि नहीं। तो सारी चीजों की सेगमेंट बाय सेगमेंट टेस्टिंग होती है और जहां कमी लगती है वापस ये सब प्रोडक्शन प्लान में जाता है और वहां पर इसको वापस से ठीक किया जाता है। तो सामने पीछे जितने भी आप ट्रैक्टर्स देख रहे हैं मेरे, वहां से लेकर वहां तक वो सारी चीजें यहाँ पर टेस्टिंग होती है और फाइनल टेस्टिंग के बाद इसे रोल आउट कर दिया जाता है। सोनालिका की पूरी दुनिया भर में 14 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं। कंपनी 140 देशों में अपने ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट करती है। इनमें एशियाई देशों के साथ यूरोपीय देश भी शामिल हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय कंपनी भारत में ही केवल 2 मिनट में एक ट्रैक्टर को रोल आउट कर देती है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए।